मुझे लगता है कि थोड़ा सा टच ही एवरीडे का भी देते हैं। एवरीडे मिस खुश्क दूध जी, आप लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, कहीं भी अगर आप ये कह देना कि मनपसंद तो माही स्वीट की है तो कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से। वो गुड़ दी बनांदे सी ना जी, वो गचक जी, वो खाने दा स्वाद आंदा सी। ये उद्दा स्वाद आंदा यार, गचक ते सख्त हुंदी सी, ये उंज नहीं यार, ये तां मुलायम है बड़ी। मज सुनदी सी ना ओदा, जेड़ा पहला नारा सी बौली। हां हां, ऐ कह सकदे हो तुसीं। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद एक और फूड व्लॉग में, और आज हम मौजूद हैं तांदलियांवाला, जो फैसलाबाद के करीब एक शहर है रावी के किनारे, और यहाँ पे एक बहुत मशहूर सौगात जो मैं बचपन में खाने के लिए दोस्तों के साथ आया करता था। यहाँ का मनपसंद बहुत मशहूर है, और ये इतना मशहूर है कि सऊदी अरेबिया, दुबई और मुख्तलिफ मुल्कों में यहाँ से लोग खरीद खरीद के भेजते हैं। तो लेट्स सी, अब मुझे तो इतना बचपन है ना, वो याद भी नहीं है कि ये तब जायका कैसे होता था। तो आज खा के चेक करते हैं कि अब मनपसंद, पहले तो था सिर्फ चखने के लिए आते थे, तो लेकिन अब तो मनपसंद काफ़ी जगहों से चेक किया, तो यहाँ इनका भी देखते हैं मनपसंद, और फिर उसको चेक के बताते हैं क्या प्राइस है और किस हिसाब से मिल रहा है। लो जी, ये आ गई है मनपसंद। अभी हमने सिर्फ एक पाव ऑर्डर की है, ये इस तरह की पैकिंग के अंदर है, आप नंबर नोट कर सकते हैं, ये माही स्वीट। अच्छा जी, तो ये इस तरह की है, अभी टेस्ट करते हैं ज़रा। ये देखिए जनाब, इसमें देसी घी पड़ रहा है, ये दूध से तैयार होती है, उसमें बादाम भी होते हैं, और इसमें इलायची छोटी डाली जाती है, और इसमें चीनी डाली जाती है, इन चीज़ों से ये तैयार हो जाती है। अच्छा, यहाँ से ख़रीद के कितने दिन तक सेव रह सकती है, भेज सकते हैं? सर ये 3-4 दिन बगैर फ्रिज के रह सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर आप वहाँ ले जाएँ तो वहाँ फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज के बगैर 3-4 दिन 5 दिन इसको कुछ भी नहीं होता, ठीक रहती है। तफसीलात ले ली, लेकिन अंजम साहब आइए ज़रा चेक करें जी। बिस्मिल्लाह, मनपसंद मनपसंद। उस्मान साहब बिस्मिल्लाह पहले लीजिए, और मेरे साथ उस्मान है, उनको मैं ज़रा दिखाता हूँ आप दूसरे कैमरे में। तो ये है जनाब, ये ज़रा दिखाइएगा मनपसंद। बिस्मिल्लाह रहमान, वाह सुभान अल्लाह, बड़ा जायका जी, वाह 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 वाह, बहुत आला। मुझे लगता है कि थोड़ा सा टच ही एवरीडे का भी देते हैं। सीमट एवरीडे सीमट मींस खुश्क दूध जी। अच्छा, दूध नहीं, खुश्क दूध का जायका थोड़ा सा। अच्छा, इनके लिए वो सीमेंट है ना वो, मैं समझा नहीं। एक सीमेंट भी है एवरीडे। नहीं नहीं, ये एवरीडे दूध खुश्क। अच्छा, दूध की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब टेस्ट तो भाई वैसे ही है, लेकिन यकीन करो इसकी खासियत ये है कि ये इतनी आपस में जुड़ी हुई और मुलायम है कि दांत ना थोड़ा थोड़ा जोर मांगते हैं इसको, इससे जुदा होने के लिए। और मीठा इसमें कम हो तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मीठा पूरा पूरा है। और इसके अलावा इसका जो टेस्ट है बहुत डिफरेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने बहुत सारी जगहों पे मनपसंद ट्राई की, लेकिन वो ना उसके बड़े बड़े मोटे मोटे दाने बने होते हैं, लेकिन ये है यहाँ पर ज़रा बड़ा बारीक सा दाना, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, बड़ा बारीक सा दाना है, और ये खाने में जितनी यमी है, और ये दांतों में ना चबाने का हल्का हल्का मज़ा आता है, और जुड़ी रहती है ये। गाल लंबी होगी ना जी, गाल लंबी होगी ना। बहुत आला जी, मोबाइल भी पिया अपना बिच जी जी, यार बहुत बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, इदा मैं दसदा जी, बताओ। वो गुड़ दी बनांदे सी ना जी, वो गचक जी, वो खाने दा स्वाद आंदा सी, ये उदा स्वाद आंदा यार। गचक ते सख्त हुंदी सी, ये उंज नहीं यार, ये मुलायम है बड़ी। कमेंट करो, हाँ नहीं सही आ रही है, नहीं फिर वो सही कमेंट करो, क्योंकि मेरे ना वो वेखने वाले कहंदे ने सूजी दा हलवा नहीं बनांदे सी। ओ भाई जान, की करदे हो? अच्छा दसो की सूजी दा हलवा। मज सुनदी सी ना ओदा, जेहड़ा पहला नारा सी बौली। हां हां, ए कह सकदे हो तुसी? हां, ओदे च सूजी पा। लेकिन जिस आवाम को सरोया साहब आप बता रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का नहीं पता वो बोला क्या होता है। अक्सर आवाम, सारे नहीं। अच्छा, वो जैसे जुबैर रियाज साहब कह रहे थे आज कि मैंने बोली पीने आना आपके पास, माशाल्लाह, तो सबको नहीं पता होता ना, लेकिन हाँ जायका वैसा है। हाँ जी, जायका वैसा है। बिस्मिल्लाह, साडा कैमरामैन ठीक रहेगा।
असी हम जो है ना कैमरा मैन को मुसलसल साथ में खिला रहे हैं, वो थक ना जाए। लो जी सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जो ड्राई फ्रूट दिखाएं जी। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, ड्राई फ्रूट्स का इसमें तकल्लुफ ही है, ड्राई फ्रूट्स के बगैर भी इसका इतना ज़बरदस्त जायका है। और ये चिंगम की तरह, मैं अब सही वर्ड पहुँचाऊँ, थोड़ा सा आपको चिंगम की तरह, जैसे चिंगम दांतों को चिपकती है ना, वैसा वो जो एक फील चबाने में आती है ना, उससे ज़्यादा टेस्ट फील होता है। होगी जी। नहीं गचक तो बहुत ही सख्त होंगी है ना, वो दंदन क्यों चंबड़ जाती सैडा दे मतलब ये एक ऐसी है, इसकी ये मनपसंद, आप लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल कहीं भी अगर आप ये कह देना कि मनपसंद तो माही स्वीट की है, तो कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से। और फिर वो कहते हैं कि भाई उन्होंने तो पहचान है, उतों तो निकली है, उन्होंने तो शुरू की है, तो इस बात से कोई इनकार ही नहीं करता। और ये नहीं कहता कि नहीं उनसे भी बेहतर किसी की है। खैर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कभी मनपसंद बहुत आला कहाँ से मिली हो, लेकिन अगर आपने ये ट्राई कर रखी है तो फिर कंपेरिज़न कीजिएगा, वरना आपका कंपेरिज़न जो है वो बनेगा नहीं। 2 किलो करवाइएगा जी, ये मनपसंद किलो किलो का। ये 2 किलो का लीजिएगा। ये किस पैकिंग में है जी, दिखाइएगा जरा, तीन में। हाँ ये अच्छा, ये इस तरह की पैकिंग है जी, ज़बरदस्त। ठीक है शुक्रिया आप। ये कितने की है पर के जी? 940। चलिए शुक्रिया। ये जनाब इस तरह के 3 पैक में ये बल्क है। ये शुक्रिया सर आपका।